साहब सबको अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही मतलब ऐसा चेंज हुआ है एग्जामिनेशन में से लेकर, जो आपको बहुत बड़ा असर करेगा और ये कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है जो आप सभी को इफेक्ट जरूर करेगा, स्पेशली क्लास 12 वाले बच्चों का, उन बच्चों को बहुत ही इफेक्ट करेगा यह बदलाव। तो स्टूडेंट्स, पूरी तरह से हम इस वीडियो में जानेंगे क्या बदलाव लाया गया है, क्या हमारे 12 वाले बच्चे खास करके बच्चों में किस प्रकार का असर पड़ेगा, वो पूरी तरह से मैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसी अपडेट में बताऊंगा जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। सो वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिएगा और छोटी सी एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर डिलीवर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब योर चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या बदलाव लाया गया है जिससे हमारे 12 क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। खास करके मैं ये बात करूं कि 12 वाले बच्चे जो है उनका एग्जामिनेशन कब से है, 26 अप्रैल से, अगर सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो जारी की गई है या उन पे नोटिस दिया है कि 26 अप्रैल से एग्जाम होगा। लेकिन यहां पर उन बच्चों को जो जी मेंस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और अभी 12 में है और एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए किस प्रकार के इस तरह का असर पड़ेगा। क्योंकि जी मेंस का एग्जाम हमेशा होता था 4 फेज में, अब 2 फेज में एग्जाम हो रहा है और साथ ही साथ वो डेट बताया जा रहा है अप्रैल और मई, क्योंकि एनटीए ने ये नोटिफिकेशन जो है ये लेटर इशू कर चुकी है जो आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि 2 एग्जामिनेशन होगा, याद रखिएगा 2 एग्जामिनेशन होगा, मतलब जी मेंस का 2 फेस में होगा। पहला होगा आपको अप्रैल में 16 से लेकर 21 अप्रैल तक, दूसरा जो होगा वो आपका मई में होगा और वो है 24 से लेकर 29 मई तक। लेकिन इन्होंने साफ साफ इसमें भी और बात को मेंशन कर दिया कि अगर किसी बच्चे का किसी कारण से एग्जामिनेशन छूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, इसके लिए एनटीए जिम्मेवार नहीं है। तो जरा सा सोचिए कि अगर 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है और शायद जैसा कि अप्रैल में है तो 16 से 21 के बीच में अगर पेपर है, और अगर इस बीच में मान लीजिए कि एक पेपर पहले हो जाएगा बाद में बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन जब बच्चे का एग्जामिनेशन जो है वो 24 से लेकर आपका 29 मई के बीच में पड़ेगा, तो यहां भी बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो मेरे बोर्ड एग्जाम उनका चलता ही रहेगा, पूरी तरह खत्म होगा नहीं, क्योंकि 26 अप्रैल से अगर स्टार्ट होता है तो 26 मई को खत्म होगा। तो ये काफी प्रेशर देने वाला काम अभी किया जा रहा है, काफी एजुकेशन में इस तरह से बदलाव किया जा रहा है, उनके पैटर्न बदलाव किया जा रहा है, जिससे हमारे उम्मीद करते सारे पेरेंट्स भी इस वजह में बच्चों के इस भविष्य को लेकर काफी चिंतित होंगे। इसके लिए एनजीओ को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि या तो बोर्ड एग्जाम में भी समय नहीं बचा है, और आप लोग एक तरफ से बहुत लकी है एमपी बोर्ड वगैरह से कि आप सभी का एग्जामिनेशन के लिए कम से कम अभी भी आपका 1.5 माह टाइम बचा है, 45 डेज, जहां आप अच्छी स्मूथ कर सकते हैं। टर्म वन का रिजल्ट का जहां तक बात करें तो यही वीडियो में मैं सब बात बता दूंगा आपको कि टर्म वन का रिजल्ट जो है उसकी अब आप चिंता ना करें, क्योंकि जो बचा खुचा आपका टाइम बच गया है 45 डेज, एक मास्टर प्लान बना के और एक अच्छी सी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर टर्म वन में कुछ अगर कमियां रह गई थी उसको पूरा जरूर करें। सो गाइज, डू यू सब्सक्राइब योर चैनल, क्योंकि यहां पर सही और फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है। जय हिंद।